नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे कर्मचारियों ने एचआरएमएस के द्वारा अपना ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया होगा या कुछ लोग करने वाले होंगे। तो गाइस, मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिस एचआरएमएस का जो म्यूचुअल ट्रांसफर मॉड्यूल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, इस वजह से इसको शुरू होने में डिले हो रहा है। तो क्रिस ने अभी एचआरएमएस की म्यूचुअल एप्लीकेशन में वो चेंजेस कर दिए हैं, जिनमें से एक चेंजेस मैं आपको अभी आगे स्क्रीन पे बता दूंगा क्या चेंजेस है और उस चेंजेस को आपको कहाँ से भरवाना है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाय गाइस, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरबा टेक पर। तो चलिए गाइस, अभी हम देखते हैं कि क्रिस ने एचआरएमएस के म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन में कौन सा चेंज किया है जो आपको अब आगे से भरना पड़ेगा। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से एक म्यूचुअल ट्रांसफर का एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करते हैं उसके ऊपर अगर आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए फिर से एक नए तरीके से, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए तो मैं एक फिर से नया म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और उसके आगे की सारी जो भी प्रोसेस होंगी वो भी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोज में बता दूंगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्रिस ने कौन सा चेंज किया है। तो गाइस, सबसे पहले आपको एचआरएमएस में लॉगिन करना है, उसके बाद आपको इस आईआर एचआरएमएस ईएसएस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ठीक है, इस वाले म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आती है और उसके बाद आपको इस न्यू एप्लीकेशन पे जाना होता है। तो मैं ये न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की डिटेल आ जाती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही, अब इसमें चेंज कौन सा किया है। अब हम नीचे आए, नीचे आने पे देखिए अभी इन्होंने एक यहाँ पे जोड़ दिया है लियन यूनिट ऑब्लिक डिवीजन, यानी कि आपका लियन किस यूनिट में है या किस डिवीजन में है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। अब ये आप खुद से नहीं डाल सकते, ये डाटा आपके एम्प्लॉय मास्टर में भरा हुआ होना चाहिए। अब हुआ क्या था कि ये वाला फील्ड पहले एचआरएमएस के करंट स्टेटस वाले टैब में था ही नहीं, अब ये इन्होंने नया टैब जोड़ा है, क्रिस ने ये नया टैब जोड़ा है। तो अब सारे डीलिंग क्लर्क को ये लियन यूनिट ऑब्लिक डिवीजन यूनिट आपको भरना पड़ेगा। सारे जितने भी डीलिंग क्लर्क है उनको प्रत्येक एम्प्लॉय का लियन यूनिट यहाँ पर डालना होगा। अब डीलिंग क्लर्क इसको कैसे डालेगा, इसके लिए डीलिंग क्लर्क को एम्प्लॉय मास्टर में जाना है, यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय पे जाना है, यहाँ पे किसी एम्प्लॉय का वो एचआरएमएस आईडी डालेगा, उसके बाद एम्प्लॉय करंट स्टेटस पे आएगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देखिए एक नया फील्ड यहाँ पे जुड़ गया है लियन यूनिट, ये वाला फील्ड डीलिंग क्लर्क को भरना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप अपना ईएसएस के थ्रू भी यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अदरवाइज डीलिंग क्लर्क यहाँ पे लियन यूनिट भरेगा उस कंसर्न एम्प्लॉय की। अब देखते हैं कि जब डीलिंग क्लर्क आपका लियन यूनिट भर देगा तो वो किस तरीके से आपको एचआरएमएस के एप्लीकेशन में दिखेगा। तो उसके लिए हम फिर से एचआरएमएस के म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जाते हैं, न्यू एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने पर देखिए ये आपका लियन यूनिट ऑब्लिक डिवीजन, यहाँ पे जैसे ये मेरा लियन यूनिट भरा हुआ है। अगर आपका ये ब्लैंक है तो आपको पता लग गया होगा कि आपको ये डीलिंग क्लर से या खुद अपने ईएसएस में जाके करंट वाली स्टेट पे जाके चेंज करना होगा। तो गाइस, ये जो नया लियन यूनिट फील्ड जोड़ा गया है म्यूचुअल एप्लीकेशन में, तो ये आपको आपके डीलिंग क्लर से भरवाना है या आप खुद भी एचआरएमएस के ईएसएस मॉड्यूल में जाके और करंट वाली उस पे टैब में जाके और इस चेंज को करके आप चेंज रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो ये सारे डीलिंग क्लर्क को खुद ही भर देना चाहिए। आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।